नमस्कार, gamasound.com में आपका स्वागत है। मैं आज का जो gamasound.com की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं पूना से आई हूँ स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए। आपका नाम? मेरा नाम है स्वाति जोशी और बहुत अच्छे चर्चा सत्र हुए हैं, बहुत अच्छे कविताओं और लघु कथाओं का सादरीकरण हुआ है और मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागी हो सकी। आप क्या लिखते हैं? मैं कविता लिखती हूँ, अनुवाद करती हूँ, लेख लिखती हूँ और हिंदी मराठी दोनों भाषाओं में मैं काम करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं देवास से आई हूँ। आपका नाम बताइए और कैसा लगा आपको? स्नेह मंजरी भागवत जी, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और इंदौर में वैसे बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं लेकिन इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में बहुत अच्छा आयोजन है और महिला दिवस आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस उपलक्ष्य में इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन और हम लोग शामिल हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लेखिकाओं से परिचय तो था ही पहले से, पर सामने से देखने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नागर जी लिखी जिनको हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सरला शर्मा जी हैं या नेहा शरद जी हैं, सब दिख गई है एकदम आस पास, ऐसा लग रहा है अपन उनमें शामिल हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप, कैसा लगा आपको gamasound.com का कार्यक्रम? हाँ नमस्कार, मैं शुभा देशपांडे इंदौर से ही हूँ और ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। gamasound.com और वामा जो ग्रुप है लेखिका संघ, उन दोनों का संयुक्त तत्वावधान में जो कार्यक्रम आयोजित किया है और ये इंदौर में पहली बार हो रहा है और कई लेखिकाएँ हैं वो आई हुई हैं अपनी प्रस्तुति लघु कथा के रूप में, काव्य के रूप में और भी उनकी जो दूसरे विधाओं में जो लिखती हैं उनके बारे में उन्होंने अपना बयान दिया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है और मुख्य रूप से पुराने और नए जो लेखकों का या साहित्यकारों का जो तालमेल है या तालमेल यह कहे जो उनकी जो प्रवास है, जो यात्रा है पुराने समय से आज तक, तो क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में विशेष प्रकार की जानकारी हमें देगी। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में, धन्यवाद। आप? मैं अरुणिमा राजूकर इंदौर से ही हूँ और अपने आप में अनोखा कार्यक्रम घमासान और गौतम दोनों को मैं बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ कि ऐसे आयोजन दोबारा होते रहें, हम इसका लाभ लेते रहें और आज का दिन भी इतना अच्छा और महिला दिवस आ ही रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सार्थक हो गया हमारा आज का दिन। आज का समय बहुत अच्छा गया, समय कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा, इतना अच्छा सुनने को मिला। आजकल बहुत कम ऐसे आयोजन होते हैं और ऐसे दोबारा होते रहें, बार बार हम उनका लाभ लेते रहें, यही अपेक्षा आपसे। धन्यवाद। अब आपका नाम और कहाँ से? मैं गंजा पुरंदरी इंदौर से ही हूँ। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है सबसे, क्योंकि हमारे पूरे भारत से अधिकतर लोग आए हुए हैं, चाहे भी आए हुए हैं, सब कवियत्रियों का हमारा सुनने का हो। लघु कविता तो बहुत ही अच्छी हुई, ऐसी टिप्पणी हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई। धन्यवाद। मैं दिल्ली NCR से शोभना श्याम हूँ। वामा मंच ने ये बहुत वामा साहित्य मंच ने ये एक अनूठा और बहुत ही सुंदर सार्थक आयोजन किया है, हम सबका बहुत ध्यान रखा है, सारी बात अपनी जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जो विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ वो gamasound.com के लिए है। वामा साहित्य मंच तो है ही साहित्य के लिए, लेकिन जब आज साहित्य की लगातार बाकी जगहों में उपेक्षा हो रही है, ऐसे में gamasound.com का एक साहित्य के एक गंभीर साहित्य को लेकर इतने सारे लोगों को पूरे भारत से बुलाना, जोड़ना, उसका सारा इंतज़ाम करना, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। विजयनगर इंदौर से आई, बहुत ही अच्छा आयोजन था आपका, जो महिलाओं को आज के इसमें जो फेसबुक वगैरह और इसके माध्यम से भी कई साहित्यिक उसमें जुड़ी हैं और आप लोगों का जो gamasound जो डॉट कॉम से उसके कारण भी इसमें जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं बहुत प्रशंसा की जाती है आपके। मैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया उज्जैन से एक लेखिका हूँ, प्रोफेसर रह चुकी हूँ और अभी मैं रचना पाठ के लिए आई हूँ, लघु कथा और कवियत्री हूँ, मेरी एक काव्य संग्रह निकल चुका है और लघु कथा संग्रह आने वाला है और बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया था, इसलिए मैं दोनों ही मंच को आभार देती हूँ, अखिल भारतीय वामा कंपनी संस्था को भी और gamasound.com किताबें नहीं मिल रही दोनों को ही आभारी हूँ और दोनों में भी मेरे साथ।
डॉक्टर वंदना गुप्ता, मैं गणित विषय की प्रोफेसर हूँ उज्जैन के गवर्नमेंट कालिदास गर्ल्स कॉलेज में, और मैं अभी एक साल से भी कम समय हुआ है मुझे लेखन के क्षेत्र में। ये पहला साहित्यिक कार्यक्रम था जिसमें मैंने सहभागिता की है। इसके पहले मैं गणित विषय के काफ़ी सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुकी हूँ, और यह बिल्कुल अनूठा अनुभव रहा मेरे लिए। बहुत अच्छा आयोजन है, मुझे लघु कथा वाचन का मौका भी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो जानकारी मिली है साहित्य के संबंध में, जो लोग आए हैं, जो आयोजन है, जो व्यवस्था है, और जो यहाँ से हमें सीखने को मिला, वो वास्तव में बहुत अच्छा है, और मैं इसमें सहभागी होकर के बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी देवी खरे है, बच्चों लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप लेखन में रुचि है आपकी? हाँ, कविता लिखती हूँ। उसके बारे में बताइए ना कि आप यहाँ क्या 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 मतलब यहाँ रचना पाठ करेंगे, क्या करेंगे? मैं यहाँ क्या बोलती हूँ, कविता बोलूँगी। ठीक, थैंक यू। अपना नाम? मेरा नाम कविता देवी है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। यहाँ की बहुत अच्छा लगा जो सबसे मेन टॉपिक होता है सेक्स और रोमांस को लिखने के लिए, उसमें क्या मतलब मुझे टोका जाता है। मेरे से जो वरिष्ठ है मैं सबसे पहले लेडीज से आती हूँ, एक सिंपल सा वर्ड था तवायफ, उस तवायफ तक के लिए मुझे टोका जाता है। यहाँ आके मेरे मन में बात क्लियर हो गई कि मुझे लगता है मुझे कहाँ तक छूट मिल सकती है लिखने की, और किस चीज़ की मतलब किस दायरे में रखना है, क्या वर्ड मैं ले सकती हूँ, क्या वर्ड जो अभी का टॉक शो था मुझे सबसे बेस्ट लगे, सबसे बेस्ट वर्ड। तो मैं आपका स्वागत है आज घमासान.com और वामा साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। जी, वैसे मैं वामा परिवार की सदस्य हूँ और हमारे परिवार का कार्यक्रम है, तो एज ए होस्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है अखिल भारतीय स्तर का ये कार्यक्रम सफल रूप से आकार ले पाया, और आज के दोनों सत्रों में कथा लेखन वाले में भी और काव्य वाली परिचर्चा में भी बहुत अच्छे अनुभव हुए, और नया कुछ बहुत कुछ अतिथि मेहमानों से सुन के, और बहुत अच्छे संस्मरण रहे हम लोग के कि मार्गदर्शन वाले उनके जो भी थे वक्तव्य, उनसे बहुत कुछ जो राष्ट्रीय स्तर पर लेखन हो रहा है और अलग राज्यों से आए हैं, काफ़ी कुछ देखने सीखने को मिला। आप क्या लिखते हैं? मैं मुख्य रूप से कविताएँ लिखती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शिवानी है और मैं जयपुर से आई हूँ इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, और बहुत ही स्तरीय कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि साहित्य क्षेत्र में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। एक बहुत सारे लोगों को आपस में एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है, और जो जिस तरह की चर्चा हो रही है, सत्र हो रही हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आती हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते, वहाँ आपस में ही बात करके रह जाते हैं, तो उन बातों के लिए खुला मंच होना ये बहुत सार्थक बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका स्वागत होना चाहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रज्ञा श्रीवास्तव जयपुर से आई हूँ इस आयोजन में शामिल होने के लिए, और बहुत ही उम्दा और अच्छी शुरुआत है इस तरह का कि सभी साहित्यिक लोग यहाँ पर मिले, और कितनी वार्ताएं जो हुई हैं यहाँ पर, जितने भी सेशन हुए हैं बहुत ही अच्छे लगे, और इस तरह का होता रहना चाहिए साहित्य में। आप क्या लिखते हैं? मैं कविताएं लिखती हूँ। और आप इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहते हैं? हाँ, जयपुर में जाती रहती हूँ, मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू। घमासान.com की ओर से जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और वामा साहित्य मंच जो कि इंदौर का प्रमुख साहित्यिक मंच है, उसने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की और बेहद सफलतापूर्वक ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका पहले तो नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार, मैं नुपुर प्रणय वागले, और मुझको इतना सुंदर कार्यक्रम, मतलब मैं इसकी एक हिस्सा बनी, तो मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर, क्योंकि और साहित्य में ऑल ओवर इंडिया से जो सारी अपनी विभूषियाँ आई हुई हैं यहाँ पे विभूषियाँ, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और नहीं तो एक ही जगह पर इतने सारे जने इकट्ठे होकर और अपने विचार प्रकट करना बहुत अद्भुत अनुभव था। और जो अलग अलग सेशंस और इतना व्यवस्थित, मतलब एक एक सेशन जो लघु कथा का अलग था, फिर जो उद्घाटन सत्र था वो अलग था, उसमें कुछ अलग जानकारियाँ मिली, कुछ अलग सीखने को मिला, लघु कथा से संबंधित कुछ जानकारियाँ मिली, और मैं मुख्यतः मैं लघु कथा लिखती हूँ, तो मुझे उससे संबंधित काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली, और जो काव्य वाला जो अंश था
वो मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसमें जो तीनों वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा आदिकाल से अब तक का पूरा सफ़र उन्होंने समझाया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अंत का जो सेशन था वो ओपन जो था, ओपन टॉक शो, वो अपने आप में नया था। मतलब मुझको बहुत अच्छा लगा कि उसमें श्रोताओं को भी दर्शकों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिला। और और जो वहाँ पर बैठी हुई थी मंच पर सारी वो बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ी हस्तियाँ थी, उनके सामने अभी हम बहुत नौसिखिए हैं लेकिन फिर भी अपनी बात व्यक्त करने का, अपने बात कहने का अवसर मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम के लिए वामा और घमाखंडकों को बहुत बहुत बधाई और आशा है कि आगे भी ऐसी अच्छे इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम इंदौर में होते रहेंगे और हमें अवसर मिलता रहेगा उसमें शामिल होने का। धन्यवाद। नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं रवि धाकर, मेरे साथ मौजूद है बाहर से पधारे हुए अधिकारी। मैम आप क्या सोचते हो कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं इंदौर से हूँ। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, हर विधा को उसमें टच किया गया है, लघु कथा को, काव्य को, और जो अभी ओपन मंच था वो तो बहुत ही अच्छा था, चर्चा जो थी तो सभी इस तरह से मुझे तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं इंदौर से ही आया हूँ और इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ और इस कार्यक्रम को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर पूरे प्रदेश से, पूरे भारत से तमाम प्रकार के पत्रकार आए, वो अपने लेखक लोग आए हैं और अच्छी विषय काफ़ी अच्छे थे इसकी और काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, मैं इंदौर से हूँ, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में संस्कृत की प्रोफेसर हूँ और वामा साहित्य की जो टॉक शो था उसके लिए आमंत्रित अतिथि वक्ता में मैं थी। साहित्य में आधुनिकता की परिभाषा, परिपक्वता और खुलापन, इस विषय पर एक अच्छा सारगर्भित टॉक शो हुआ और लगभग बाहर से आए हुए भी समस्त साहित्यकारों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए, मैंने भी रखा। और निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि साहित्य में आधुनिकता जो भी है उसमें परिपक्वता और खुलापन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों दृष्टि आधारित चीज़ें हैं, यदि हमारी दृष्टि परिपक्व है तो खुलापन भी हमें पसंद होगा और यदि हमारी दृष्टि परिपक्व न होगी तो कितना भी खुलापन क्यों ना हो वहाँ कभी भी हमें पसंद नहीं आएगा। और आधुनिकता का तात्पर्य यहाँ तर्क बुद्धि से था, बुद्धि की स्वतंत्रता से था, बुद्धि की समानता से था, तार्किकता से था और तकनीकी से था। निश्चित रूप से वर्तमान समय में हम तकनीकी दृष्टि से भी बहुत आधुनिक हुए हैं, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में भी हम आधुनिक हैं और जहाँ तक खुलेपन की बात है तो हमारे तर्क संगत खुलापन हमें पसंद है और उसके हम हिमायती हैं। तो निश्चित रूप से यह जो टॉक शो था अपने आप में बहुत ही सार्थक टॉक शो था। बता दीजिएगा। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला बरगली है, मैं आज पहली बार इस मंच पर यहाँ आई हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए और उनको सुनकर मुझे अच्छा लगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने अपने विचार सबने व्यक्त किए और प्रश्नोत्तर भी हुए और उन प्रश्नों का जवाब भी सबने बहुत अच्छी थी। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी लगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।